तो चलिए जल्दी से अब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में भी जानकारी ले लें। हमारे पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि परमानेंट टिश्यूज समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हो सकते हैं, जिन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। ऐसे ऊतक समांगी कोशिकाओं का समूह होते हैं। इसी प्रकार कई ऐसे भी परमानेंट टिश्यूज होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ऊतकों की प्रकृति हेटेरोजीनस यानी कि विषमांगी होती है और इन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दो प्रकार के पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। हमारे पादप में संवहन वाले वीडियो से आप इनके बारे में पहले से ही जानते होंगे। ये पादप में जल तथा महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का परिवहन करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो में हम इनके ही आकारिकी के बारे में जानेंगे। जाइलम का मुख्य कार्य भूमि से जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण कर पादप के विभिन्न भागों में संवहन करना है। यह पादप को यांत्रिक बल भी उपलब्ध कराता है। जाइलम चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में यहाँ चर्चा करें। ट्रैकीट्स मृत कोशिकाओं से बनी हुई ट्यूब नुमा लंबी संरचना होती है, अर्थात इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता। इनकी कोशिका भित्तियों पर लिग्निन की अत्यधिक मात्रा उपस्थित होती है। वेसल्स तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं। इनका आकार सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा होता है। वेसल्स इसी प्रकार की अनेक ट्यूब नुमा कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से बनते हैं। ये कोशिकाएं भी मृत होती है और इनमें भी जीव द्रव्य उपस्थित नहीं होता है। जाइलम में काष्ठीय पैरेन्काइमा और काष्ठीय रेशे भी उपस्थित होते हैं जो कि पादप को यांत्रिक बल उपलब्ध कराते हैं। आइए अब फ्लोएम ऊतकों के बारे में बात करें। फ्लोएम का मुख्य कार्य पादप की पत्तियों के द्वारा बनाए गए पादप भोजन का संवहन पादप के संपूर्ण भाग में करना है। जाइलम की ही तरह फ्लोएम भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। आइए उनमें से कुछ के बारे में यहाँ जाने। सीव ट्यूब्स या चालनी नलिकाएं अनेक चालनी नुमा कोशिकाओं के एक के ऊपर एक जमने से बनती है। ये कोशिकाएं जीवित होती है जिनमें कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, लेकिन इन कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता बल्कि इनमें केवल रिक्तिका उपलब्ध होती है जिसके चारों ओर कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। इन कोशिकाओं का नियंत्रण करने के लिए फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स या सहयोगी कोशिकाएं पाई जाती है। कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस चालनी नलिकाओं के मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार इस कोर्स का हमने पहला हिस्सा पादप ऊतक समाप्त कर लिया है। हमारे आने वाले सेक्शन में हम आपको पादप ऊतक तंत्र के बारे में बताएंगे।